मानवाधिकार के से संबंधित जो समस्याएं हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते आए हैं, और ख़ास करके जो राजसत्ता के द्वारा जो हिंसा का प्रयोग पर आधारित जो विकृतियां हैं उनको जनता के सामने लाना, तो जनता का जो संसाधन जिन संसाधनों के ऊपर उनका सर्वाइवल, उनका जीना जिन संसाधनों के ऊपर आधारित है, उन संसाधनों से बलपूर्वक महरूम कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है ये बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल वायलेंस का स्वरूप हमारे देश में पैदा कर रहा है। और उस स्ट्रक्चरल वायलेंस के जवाब में जनता को का जो रेजिस्टेंस है वो उनका एक हक बनता है। राजद्रोह के बारे में जो एक कानून का जो एक खास विकृति आज पर बहुत व्यापक रूप से फैल गया है और जिसके जरिए से बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं, तो सर इतने दिनों जेल में रहने के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से क्या सोचते हैं आप, क्या परिवर्तन आया? हमारे ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, सरकार ने जो आरोप लगाए थे उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो उसी के जरिए से हम आज जेल से बाहर जमानत के ऊपर रिहा हुए हैं जी। और इसके साथ साथ मैं अगर आज बाहर हूँ तो वो ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो पूरा एक आंदोलन हुआ मेरे को छुड़ाने के लिए, उसके तहत ही मैं बाहर हूँ। जेल में रहते हुए तो काफ़ी तकलीफ के माहौल था, क्योंकि अपने परिवार से, अपने पूरा दोस्तों से, पूरा एक जो परिस्थिति है उससे कटे हुए रहना किसी के लिए भी तकलीफदेह होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रिजनर कॉन्शंस मेरे को डिक्लेयर करने से जो रिहाई का जो ये बहुत बड़ा एक रिकग्निशन है, और अभी भी जो प्रिजनर कॉन्शंस के रूप में हमें रिकग्नाइज किए हैं, इससे हमें हमारा आंदोलन को बहुत बल मिला। छत्तीसगढ़ पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ हम लोग एक याचिका PUCL की तरफ से, PUCL छत्तीसगढ़ की तरफ से याचिका दायर किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग दायर किए थे तो सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ कि आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसको इसका सुनवाई कीजिए, जब भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये याचिका के ऊपर सुनवाई जारी है। हमारा कहना रहा है कि वायलेंस से समस्या और बढ़ता है, हल नहीं निकलता है, पर इसमें प्रतिकार करने का जो प्रतिकार जो ढांचागत जो हिंसा है उसका उसके खिलाफ संघर्ष करने का, उसके खिलाफ प्रतिकार करने का, शांतिपूर्ण रूप से करने का हक सबको है। और ये जो जीने का हक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें हक दिया गया है कि जीने का हक सबके ऊपर लागू होता है, शांति और न्याय के ऊपर आधारित एक समाज हम कैसे विकसित कर सकें उसके बारे में हम अपना काम तो जारी रखेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और वीरप्पा मोइली साहब ने जो बात अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा कि इस कानून का पूरा हम परीक्षण करेंगे, तो हम भी समझते हैं कि ज़मीनी स्तर पर इस कानून के बारे में जानकारी दिलाना और उसका निराकरण करना, उसके लिए कोई हल निकालना, यही हमारा काम है। गरीब लोगों के जो समस्याएं हैं जी, और उन समस्याओं के बारे में जानकारी और अवेयरनेस बहुत सीमित है, कम है। लोग उसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं
जो खास करके मीडिया को मीडिया से प्रभावित हैं उनमें भारत में जो मूल समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। अब मेनस्ट्रीम मीडिया को कितना प्रभावित करेगी वो तो वो अपना कितना प्रभाव बनेगा, काम कितना प्रभावशाली होगा उसके ऊपर निर्भर होगा। अगर ये काम हम आगे बढ़ाने में अगर सफल होते हैं तो फिर उसमें मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर ज़रूर असर होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है उनका उनके ऊपर इसका असर रहेगा। आप कह रहे हैं कि आप गरीब लोगों की समस्याओं के बारे में गरीब लोगों को जानकारी दिलाते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है,